जेठालाल, जेठालाल बाहर निकलो। जेठालाल, तुमने एक पत्रकार से पंगा लिया है। तुम्हारी असलियत पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के सामने पेश करूंगा मैं। जेठालाल सुनो सुनो सुनो, जेठालाल क्या हुआ भाई पोपटलाल? अरे पोपट भाई क्या हुआ? ओए पप्पू की हो गया काई साला पोपटलाल। जेठालाल क्या हुआ भाई पोपट? जीने भाई जीने, अरे शांति से जीवा देने। जेठालाल बेवादी का धंधा करके तुम्हें शांति से सोने नहीं दूंगा। आज पूरी सोसाइटी के सामने तुम्हारी करतूतें बताऊंगा, दुनिया हिला दूंगा तुम्हारी। पोपटलाल क्यों इतनी सुबह सुबह हमको डिस्टर्ब कर रहे हो यार? अरे और नहीं तो क्या पोपट भाई, क्या हुआ, हुआ क्या? अरे मेहता साहब, दया भाभी, कल शाम को मैं जेठालाल की दुकान से टोनी मोवर का चार्जर पूरे 300 रुपए में लेके गया, और जब घर जाके मैंने चेक किया अमेज़न पे तो उसकी कीमत 200 रुपए दिखा रहे थे। 100 रुपए ऐसे बढ़ा चढ़ा के क्यों ले लिया जेठालाल ने मुझसे? इसको चोरी कहते हैं, चोरी। जेठालाल तुम्हारा धंधा मैंने कैंसिल नहीं करवा दिया तो मेरा नाम भी पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस नहीं। अप्रतिम जेठालाल, अप्रतिम, पूरा का पूरा घरा परिवार ही ऐसा है, बेसिस्ट, डिसऑनेस्ट। अरे हमारे जमाने में लोग, तुम्हारा माहित नरेल तो शांत रहा, मुझको भी आती है मराठी। नॉनसेंस, जब देखो चापलाईगिरी करने आ जाता है। जा घर जा, घर जा, पापड़ दे पापड़। अरे माफी भाभी, भाई पोपटलाल मैं तुझे 350 के बदले 300 में चार्जर बेचा, 50 रुपए मैंने मेरे खीसे में से निकाले, और वो जो तुम जो अमेज़न की बात कर रहे हो ना, उसकी जा और कंपनी चेक कर, बनावटी होगी, बनावटी, दो नंबर ही माल देते वो लोग। नॉनसेंस, वो तुम्हें वारंटी दे रहा था, कुछ कुछ जाके जा। बात करता है, मैं कच्ची मानुस हूं, मैं कभी भी बिजनेस और दोस्ती को मिक्स नहीं करता। क्या तफलीक है भाई तुझे, क्या तफलीक है सुबह सुबह? हाँ पोपट भाई, कप्पू के पापा कैसे भी होंगे लेकिन दीवाने नहीं करेंगे। हाँ पोपटलाल, इसमें मैं भी जेठालाल के साथ हूँ। तो थैंक यू मेहता साहब। पंजेड़ा लाल, तुम भी पोपटलाल को होलसेल में बेच सकते थे ना? होलसेल में ही बेचा यार भाई, मुझे उतने में मिला सब कुछ काट के। बबीता जी समझाए ना। नहीं 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 जेठालाल, तुम सब में चीटिंग करते हो। इस बार माफ करता हूं तुम्हें, लेकिन अगली बार फुल प्राइस चेक करके आऊंगा मैं, देख लेना चीटर कॉक। ए पोपट, चीटर होगा तू, तेरा छाता भूल गया? जीमेल के टाइम तुमने अपने छाते से मेरा बॉल रोका था बाउंड्री पे, भूल गया? बोलता है छातेबाज, तुम्हारा नाम चीटर कॉक नहीं चीटर पोपट होना चाहिए, चीटर पोपट। जेठालाल एक चौका क्या मार लिया, अपने आपको एक वरिष्ठ क्रिकेटर समझने लगे। हिम्मत है तो अब हार आके दिखाओ, तुम्हारी दुनिया नहीं हिला रही तो मेरा नाम भी पत्रकार पोपटलाल नहीं। तुझे एक बार क्या पोपट, बारंबार तुझे अपने बल्ले से हरा के दिखाऊंगा, देख लेना। अरे पोपटलाल जेठालाल, ऐसे बच्चों की तरह लड़ना अच्छा लगता है क्या? ऐसा है तो दिखा दो मैदान पे कौन कितना पानी में है। एक काम करते हैं, आयोजित करते हैं जीपीएल 4 तो फिर चलो। हाँ चलो, हो जाए।
सपना तो नहीं देख रहा, मैं चिंता मार तो ठीक है। अब मुझे इतनी खुशी दे रही कि मैं अभी मुझे रोना है। भगवान सबको आपके जैसा बेस्ट फ्रेंड दे, है ना दया। बस बबीता जी, अभी मैं आपको नीचा नहीं दिखाऊंगा। अभी ये जेठाला चंपकलाल गड़ा का वादा है कि मैं आपको जीता कर ही रहूंगा। देखते हैं कौन रुकता है हमको। अभी ये जेठा और बबीता की साझेदारी अपने सारे आलोचकों को जवाब देगी। जेठा जी, आलोचक? बबीता जी, आलोचक मतलब जो लोग, पता है आप काम करते हो और उनका काम ही होता है आपकी आपकी लाइफ में वो तफलीक निकालते रहते हैं आपके काम में, पोपटलाल जैसे वो लोग। ओह, यू मीन क्रिटिक्स। एनीवेज जेठा जी, वी शुड नेवर लिसन टू क्रिटिसिज्म। क्रिटिक्स ओनली वर्क इज टू क्रिटिसाइज, नथिंग एल्स। वी शुड डू आवर वर्क एंड नेवर लिसन टू क्रिटिसिज्म। क्या 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 टप्पू के पापा, मतलब क्या बबीता जी बोलना क्या चाहते हैं? होगा अच्छा ही होगा दया, छोड़ना क्या बबीता जी। अरे ऐसा तो ही चलता है, मतलब मेरी माँ ही मेरी पिताजी को, अरे मामा ने तो अंदर से मेरे को बहुत ही बोलता है, मेरे को भी जगह चुप 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 दया नॉन से। दया वो बबीता जी, वो कृतिक रोशन की बात कर रहे थे। वो पता है ना कृतिक रोशन भाई की 5 की जगह 6 उंगलियां, 1 अंगूठा भी है। तो वो जब भी आलोचना करने किसी पे उंगली उठाते हैं तो 5 उंगलियां उन पे आती है। तो बबीता जी का कहने का भावत ही वही था, है ना बबीता जी। बबीता जी, इस बार तो आपको जीता के ही रहूंगा। वो कौन सी कहावत है आपकी भाषा में, वो शाहरुख भाई ने डांस भी किया है उस पे, वो कॉर्बो चिंबो। हाँ हाँ, वही वही कॉर्बो लॉर्बो चिंबो है, मस्त कहावत है एकदम। उसी बात पे जेठालाल की टीम का नाम जेठा नाइट राइडर्स रख देते हैं, ठीक है। वाह मैं तो साहब वाह। और भैया पोपटलाल की टीम का नाम पोपटलाल इंडियंस, क्योंकि उसका खुद का काम ही हिलना और दुनिया हिलाना है। दुनिया हिला दूंगा। आखिर में आपकी इंतजार का अंत हो ही गया दोस्तों, और GPL4 की आयोजना हो ही गई। जेठालाल नाइट राइडर्स वर्सेस पोपटलाल इंडियंस। एक तरफ बबीता जी पहले से जेठालाल की टीम में है, और मैं तारक मेहता किसकी टीम में जाएगा? दया भाभी का क्या होगा? क्या बापूजी इस बार खेलेंगे या एम्पायरिंग करेंगे? बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आपके घर पे ठहाके नहीं रुकेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।